वेलकम बैक चिल्ड्रंस टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्ड प्रोसेसर. सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट द सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट. ओके, सो हाउ वी कैन सेलेक्ट एंड हाउ वी कैन एडिट द टेक्स्ट. सो वॉट वी आर डूइंग इन द लास्ट वीडियो दैट वी वर एंटरिंग द टेक्स्ट. नाउ टूडे वी आर गोइंग टू एडिटिंग दोज टेक्स्ट. So how we can edit. So children, as we know that most of the time it happens when we are doing something, when we are typing something, so we just want to make some changes in it because we are not satisfied with that one. Okay, so these making changes is known as a editing. Okay, so let's get started. So start reading from the first point, that after typing the text in a document, you may not make some changes in the text. Most जब आप type कर लेते हो text में, अपने documents में, चीज़ें text में, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पर आपको कुछ changes चाहिए होता है text में. अगर आप चाहते हो कि आपने ये type किया है, this is not good, so you just want to make some changes in that one. सो आप उसको क्या करते हो, चेंज करने के लिए ओपन करते हैं, ठीक है. सो दीज मेकिंग चेंजेस इज नोन एज अ एडिटिंग. जो भी आप डॉक्यूमेंट में चेंजेस करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिंग. ओके, द नेक्स्ट वन, बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से पहले, लाइक कॉपी करना, मूविंग, ठीक है, कॉपिंग, मूविंग, इन एक्शन से पहले फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग, डिलीटिंग और फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, वी नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. ठीक है, क्या बता रहा है कि इसने ये लिखा हुआ है कि जो कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले, चाहे वो मूविंग हो कि कोई डॉक्यूमेंट आप मूव करा रहे हो, या आप वहाँ पे टाइपिंग कर सॉरी कॉपी कर रहे हो, या आपको कुछ फॉर्मेट और डिलीट करना है, कोई टर्म, कोई वर्ड आपको फाइंड करना, उसको रिप्लेस करना है, तो ये सारी चीज़ें करने से पहले क्या करते हैं, हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, हमें उन टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब हम उस जगह पे कोई चेंजेस कर पाएंगे, कोई एक्शन ले पाएंगे. द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन ए हाइलाइटर बार. ओके, सो जब क्या होता है, जब आप वो चीज़ सेलेक्ट करते हो तो वो पूरे टेक्स्ट में बिल्कुल हाईलाइट हो जाता है. ओके, सो लुक एट योर पिक्चर, इन्होंने जो सेलेक्ट किया है, लुक एट दिस वन. ये लर्निंग इज़ लाइक अ ईटिंग फूड वाली लाइन जो है, इन्होंने जो सेंटेंस है उसको सेलेक्ट किया है, तो आपको दिख रहा होगा कि वो हाईलाइट हो गई है विद अ ब्लू कलर. ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड अ सेलेक्टिंग. ये सेलेक्ट करने का प्रोसेस है कि आप जब उसको सेलेक्ट करोगे तो वो हाईलाइटेड बार में हाईलाइट हो जाएगा आपके पूरे टेक्स्ट पर. ठीक है, टू सेलेक्ट द ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट, वी कैन यूज़ द सेलेक्शन एरिया. जब हम पूरे टेक्स्ट के ब्लॉक को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें पूरे सिलेक्शन एरिया को सेलेक्ट करना होता है, विच इज़ ब्लैंक एरिया इन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट. ओके, मान सपोज आपने यहाँ पे, आपको ये पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड का ये जो मार्जिन शो कर रहा है, इस एरिया, इस ब्लैंक एरिया पे आप क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे, तो आपकी ये पूरी लाइन जो है, जो टेक्स्ट है, जो ब्लॉक है, वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, वी कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट इन अ वैरायटी ऑफ वेज. ऐसे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं. सो वन ऑफ देम दैट यू जस्ट यूज दिस ब्लैंक एरिया इन द लेफ्ट मार्जिन एंड यू विल सेलेक्ट, यू कैन सेलेक्ट योर टेक्स्ट दैट नोन एज अ सेलेक्शन एरिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग माउस. माउस से हम लोग सेलेक्ट टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लुक एट दिस बॉक्स द टेबल. अ वर्ड, अगर हमें कोई वर्ड को सेलेक्ट करना है तो क्या करें, डबल क्लिक ऑन द वर्ड. आप वर्ड पे डबल क्लिक कर दीजिए, वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा. अ सेंटेंस, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनी वेयर ऑन द सेंटेंस. आप अपने कंट्रोल की को होल्ड कर करके और किसी भी उस सेंटेंस के किसी भी जगह पे आप
क्लिक कर दोगे तो वो सेंटेंस आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए आप कैसे सेलेक्ट करोगे, ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ पे किसी भी जगह आप ट्रिपल क्लिक करिए और अ डबल क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ जस्ट लाइक दैट वन सेलेक्शन एरिया। आप उस पैराग्राफ के लेफ्ट मार्जिन पे डबल क्लिक करके भी उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। देर आर टू वेज, द फर्स्ट वन इज ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ। ओके, आप पैराग्राफ के किसी भी जगह पे ट्रिपल क्लिक कर दोगे वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन यूज ऑल्सो द डबल क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ। आप अपने पैराग्राफ के लेफ्ट मार्जिन पे भी सेलेक्ट क्लिक करके, डबल क्लिक करके अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट है उसका लार्ज ब्लॉक, आपको पूरा एक ब्लॉक है, उस पूरे ब्लॉक को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो वो आप कैसे करोगे, दैट क्लिक एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट, जहाँ से वो टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आप क्लिक करोगे, देन प्रेस द शिफ्ट की एंड विदाउट रिलीजिंग इट। आप उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करेंगे और उसको बिना रिलीज किए द क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, जहाँ पे भी आपका टेक्स्ट एंड हो रहा है वहाँ तक, उसके बाद आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो पूरा ब्लॉक, लार्ज ब्लॉक एरिया जो है उस टेक्स्ट का, वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ वंस अगेन क्लिक ऑन द बिगनिंग, सॉरी क्लिक एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट, जहाँ से आपने टेक्स्ट स्टार्ट किया है वहाँ पे आप क्लिक करोगे, देन आप शिफ्ट बटन क्लिक की प्रेस करोगे और विदाउट रिलीजिंग आप कहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे आपका वो टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है, तो उससे क्या होगा, वो पूरा ब्लॉक आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटायर डॉक्यूमेंट। पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट, जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसको आप सेलेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, दैट क्लिक एनी वेयर इन द सेलेक्शन एरिया। आप सेलेक्शन एरिया के किसी भी जगह पे क्लिक कर सकते हैं वाइल होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की, उसके बाद आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे और ट्रिपल, ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा, पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। एंड दूसरा ये भी है, देर इज़ वन मोर वे दैट हाउ वी कैन सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट, द ट्रिपल क्लिक इन द सेलेक्शन एरिया। आप सिलेक्शन एरिया पे ट्रिपल क्लिक करोगे तो आपका इंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप सिलेक्शन एरिया पे किसी भी जगह पे क्लिक करके अपनी कंट्रोल की को होल्ड करोगे, प्रेस करोगे उसको डाउन, होल्डिंग डाउन, तो उससे क्या होगा, आपके पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट। ओके, so I hope everyone understood that what is editing, that when we are making some changes in the text, so this is called editing, and before doing any action, okay, before performing any action we just need to select the text, हमें text को select करना पड़ता है कोई भी changes करने से पहले। okay, so this is all about the selecting and editing the text. So thank you and have a nice day.